मेहनत की कमाई। किसी शहर में एक प्रोफेसर साहब रहते थे। उनका बेटा बहुत आलसी था। उसे जब भी कोई काम कहते तो उसके पास उस काम को ना करने का कोई बहाना होता। उसके इस आदत से वे परेशान थे। बेटा अब बड़े हो चला था और पढ़ाई भी पूरी कर ली थी, पर उसकी आदत में कोई सुधार ना आया था। एक दिन प्रोफेसर साहब ने बेटे को बुलाया और गुस्से से कहा, तुम इतने बड़े हो गए हो, दिन भर घर में पड़े रहते हो, आज घर से निकलो, कुछ कमा कर आओ, वरना तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। पिता की इस बात सुनकर दुखी मन से बेटा बाहर निकला और घर के बाहर ही पिता के काम पर जाने के इंतजार करने लगा। पिता के जाने के बाद वह घर आया और अपनी माँ को सारी बात कह कर रोने लगा। माँ का कलेजा पसीज गया और उसने 100 रुपये बेटे को दे दी। शाम को पिता वापस घर आए तो उन्होंने बेटे से कमाई के बारे में पूछा। बेटे ने वह 100 रुपये को पिता के सामने रख दिया। पिता समझ गए कि माँ ने इसकी मदद की है। पिता ने बेटे से कहा, इस पैसे को नाले में फेंक दो। बेटा पैसे नाली में फेंक आया। अगले दिन प्रोफेसर साहब की पत्नी किसी काम से मायके हैं चली गई। उन्होंने फिर बेटे को बुलाया और कहा, आज फिर कुछ कमा कर लाओ, बगैर कमाए लौटे तो खाना नहीं मिलेगा। बेटा बाहर निकला और पिता के काम पर जाते ही घर आकर अपनी बहन से सारी बात बताकर रोने लगा। भाई को रोते देखकर बहन ने उसे 50 रुपये दे दिए। शाम को जब पिता आए तो बेटे ने वो 50 रुपये उनके सामने रख दिए। पिता समझ गए कि आज बहन ने उसकी मदद कर दी है। उन्होंने कहा कि इस रुपये को पास के नली में फेंक आओ। बेटे ने उसे फेंकाया। अगले दिन प्रोफेसर ने अपनी बेटी को उसकी सहेली के यहाँ भेज दिया और बेटे से कहा, आज भी तुम्हें कुछ कमा कर ही लौटना होगा। बेटा बाहर निकला पर आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। थक हार कर वह एक जगह खड़ा हुआ तो सामने सीमेंट के गोदाम था। वह गोदाम में गया और मैनेजर से बोला, सर क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मैनेजर ने कहा, यदि तुम इस सीमेंट की बोरियों को उठाकर ट्रक पर डाल सकते हो तो यह काम मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कोई अन चारा ना देखकर लड़के ने बोरी उठानी शुरू कर दी। काम खत्म होने के बाद मिले 50 रुपये को लेकर वह घर पहुँचा। पिता लौटे तो उसने वो 50 रुपये उनके सामने रख दिया। पिता ने उन रुपयों को पास की नली में फेंकने को कहा तो बेटे आंखों में आंसू भर कर बोला, पिताजी इन रुपयों को कमाने में मेरी कमर टूट गई, कंधों में चोट आ गई, पूरी शरीर दर्द कर रहा है और आप मुझे इन्हें नाली में फेंकने को कह रहे हैं। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा आज तुमने मेहनत से कमाए पैसे की कद्र को समझ लिया, मैं तुम्हें यही एहसास कराना चाहता था। यह कहकर पिता ने बेटे को गले से लगा लिया, क्योंकि उस दिन उसने मेहनत की कमाई की कीमत को समझ चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।